हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सन्नित्रा ट्यूटोरियल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 11th के एक्सरसाइज, चैप्टर 11 जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो टिक द करेक्ट ऑप्शंस में पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। मतलब इन चार ऑप्शंस में से वो कौन सा फिनोमेना है जो फोर्स की वजह से प्रोड्यूस्ड माना जाएगा। तो देखिए, पहला है मोशन इन द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट्स, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, इसके आंसर होंगे ऑल ऑफ दीज, क्योंकि स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट ये भी फोर्स की वजह से क्रिएट होता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ये भी फोर्स की वजह से क्रिएट होता है, एंड मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी किसी रुकी हुई ऑब्जेक्ट को मोशन मिलाने के लिए भी हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। मतलब ऑल दीज आर रिजल्टेंट्स ऑफ फोर्सेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी मेजर लिक्विड विथ ए। हम लिक्विड को किस में, लिक्विड प्रेशर को किस में मेजर करते हैं? तो वो है आंसर ए, मैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग फोर्स। फोर्स को, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो उसका है न्यूटन, ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन फोर है, एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है वो किसकी वजह से करती है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसका है आंसर ऑल ऑफ दीज। चलिए बच्चों, आप आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ कंटेनर। तो इसका हम यहाँ पे क्या भरा जाएगा? प्रेशर भरा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, यानी जब किसी भी चीज़ की समान डेप्थ होती है तो सभी जगहों पर प्रेशर भी बराबर लगता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन वी गो टू हाई एल्टीट्यूड देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। और जब हम किसी हाई माउंटेनियर रीजन पर जाते हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? घटता है। फिर है, द फोर्स विथ विच टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड। ऐसी दो फोर्स जो एक दूसरे को क्या कर, द फोर्स विच विथ विच टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसे फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो क्या कहलाते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलक्स यूज मसल फोर्स टू परफॉर्म टास्क। अब जैसे बता, बुलक, आपने बैलगाड़ी देखी होगी, तो बैलगाड़ी में पशुओं द्वारा खींचा जाता है, तो वो जब अपने मस्कुलर फोर्स का प्रयोग करते हैं तब वो गाड़ी क्या करती है? परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे मस्कुलर भरा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स है, ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ए है वेरी शॉर्ट आंसर सी। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स व्हेन टू इक्वल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। क्या करें कि उस रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या होगी जब दो इक्वल फोर्स एक दूसरे के साथ सेम डायरेक्शन में वर्क करते हैं? तो वहां पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वो ऑब्जेक्ट कहां शिफ्ट हो जाएगा? फोर्स की डायरेक्शन में कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। फिर ये है थर्ड, व्हाट हैपन व्हेन ए प्लास्टिक कम रबर सेवरल टाइम्स इन ड्राई एयर। कि जब हम एक प्लास्टिक की कंघी को रगड़ते हैं अपने सूखे बालों पर कई बार, तो क्या होता है? ब्रॉट ए नियर हेप्स ऑफ पीस ऑफ पेपर। तो अपने अपने अगल बगल पेपर को इकट्ठा कर लेती है, तो क्या करते हैं? द पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट टूवर्ड द कम। तो क्या होता है? क्योंकि वो जो पीस ऑफ पेपर्स होते हैं वो कम की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, डिफाइन 1 kg फोर्स। तो देखिए, डिफाइन 1 kg फोर्स की जो आंसर है वो पेज नंबर 118 पर मिलेगा। तो आइए बच्चों, पेज नंबर 118 पर। तो स्टूडेंट्स, ये है पेज नंबर 118, और आ जाते हैं हम अपने टॉपिक के सबसे अबव साइड पर, और वो अबव साइड हम लोगों का ये बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको मेंशन करके रखा हुआ है, फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg वर्टिकली अपवर्ड इज कॉल्ड 1 kg किलोग्राम फोर्स।
और यहां से लेकर के सारी यूनिट आप लिख डालेंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? तो फ्रिक्शनल फोर्स का डिफिनेशन आपको पेज नंबर 120 पे मिलेगा। तो आ जाते हैं बच्चों पेज नंबर 120। तो स्टूडेंट्स ये है पेज नंबर 120 और यहीं पर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने आंसर देखो C5 मैंने लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ से द फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट दैट अपोज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ से आप तक यहाँ तक राइट डाउन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं पेज नंबर 122 का जो क्वेश्चन है, क्या है? डिफाइन प्रेशर। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी भी लिख कर रखा हुआ है द फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको पेज नंबर 122 पे जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बच्चों आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर डी का फर्स्ट। राइट द 5 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। किसी फोर्स द्वारा जो 5 इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपको लिख जाना पड़ेगा पेज नंबर 116 पे। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 116 पर और यहाँ पर देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स है। तो आपको इसमें सब नहीं लिखना है, केवल ये जो हेडिंग लिखी हुई है द फोर्स कैन यूज मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये लिख देना है नंबर 1 डाल करके। पूरी जो ब्लैक हेडिंग लिखी हुई है ये लिख देना है। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा मुझे कैमरा ऊपर करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि वो सबसे काफ़ी ऊपर है। यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बस आपको ये जो ब्लैक हेडिंग्स है ये लिखनी है, फोर्स कैन स्टॉप एंड मूविंग ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा 2। क्योंकि हमें 5 फेनोमेना लिखना है, तो थर्ड फेनोमेना क्या है? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट्स, हमें ये लिख देना है थर्ड। और उसके बाद हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 4, द फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ये लिख देना है। और लास्ट हमको लिखना है द फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये बस इतना लिखना है। आपको पूरा एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डी का 2। व्हाट इज मस्कुलर फोर्स, गिव 1 एग्जांपल। एक मस्कुलर फोर्स क्या होता है ये बताना और उसका एक एग्जांपल लिखना। तो आपको लिखना पड़ेगा पेज नंबर 119 पर आ जाइए। आइए भाई, तो स्टूडेंट्स देख लीजिए पेज नंबर 119 पर सीधे मैंने यहाँ पे राइट डाउन करके लिखा हुआ है, टिक करके भी रखा हुआ है, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। ये डिफिनीशन आपको राइट डाउन कर देनी है। मस्कुलर फोर्स का आपको एक एग्जांपल भी लिखना है। तो यहाँ से देखिए आपने दो फिगर देख रहे होंगे, एक मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है कि बैल देखिए खेत में हल जोत रहा है, तो ये एक एनिमल है और एनिमल जिस फोर्स का प्रोड्यूस करते हैं वो मसल्स ही हैं। तो ये मसल द्वारा ये फोर्स क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से जमीन बो रहा है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं। तो सबसे अच्छा ये है कि आप मस्कुलर फोर्स के दो जो एग्जांपल पूछ रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं वॉकिंग, रनिंग, पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, इनमें से कोई भी आप दो चीज लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के फोर्स से क्या मतलब होता है? तो पेज नंबर 22 पे आ जाइए। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये पेज नंबर 122 है और 122 के ऊपर आप जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर डी सेक्शन का तीसरा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, दिस फोर्स इज ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यही आपको लिख देना है, आपको यहाँ पर लिख देना है, इन द अदर वर्ड्स दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटी, ये लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है, व्हाई सो एस्ट्रोनॉट वियर्स स्पेशल डिजाइन स्पेस सूट। आखिर क्यों एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो एक स्पेशल डिजाइन सूट को क्यों पहनते हैं? तो इसका आंसर पेज नंबर 127 पर रखा हुआ है। तो चलिए आ जाते हैं पेज नंबर 127। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये है पेज नंबर 127 और 127 पे हम लोग आ जाते हैं डी के फोर्थ क्वेश्चन पे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको ऑलरेडी पॉइंट आउट करके रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या है कि इस एस्ट्रोनॉट क्यों आखिर स्पेशल सूट पहनते हैं। यहाँ पे देखिए एन एस्ट्रोनॉट वियर्स ए स्पेशल स्पेस सूट
दैट मेंटेन द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हिज आर हर बॉडी सिंस देयर इज नो एटमॉस्फेयर आउटसाइड ऑफ द अर्थ। तो आपको यहाँ तक इसको राइट डाउन कर देना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर द प्रेशर ग्रेटर, प्रेशर कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, 10 मीटर पे, 20 मीटर पर, बिलो द सरफेस ऑफ सी, गिव द रीज़न। तो आपको ये बताना है कि प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा। तो देखिए हम सभी जानते हैं प्रेशर का एक फार्मूला होता है कि पी इज इक्वल टू एच डी जी। तो यहाँ पे देखिए पी एच, यहाँ पे देखिए ना पी और एच, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस का प्रेशर बड़ा होगा या प्रेशर अधिक होगा जब हाइट अधिक होगी। तो यहाँ पर सिंपल तो देखिए 10 अधिक है कि 20, तो सिंपल सी बात है 20 अधिक है, और जब 20 अधिक है तो जितना ज़्यादा हाइट बढ़ेगी उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो आप इसको राइट डाउन कर लेंगे। तो अब लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे बिकॉज ऑफ पी इज इक्वल टू एच डी जी विच इंडिकेट द प्रेशर इज ग्रेटर व्हेन हाइट इज इंक्रीजेस, सो 20 मीटर इज फेसेस हायर प्रेशर। इज इट क्लियर बच्चों। तो स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। तो देखिए पेज नंबर इसका आंसर मिलेगा 126 पर, तो आ जाते हैं पेज नंबर 126। तो स्टूडेंट्स ये देखिए पेज नंबर 126, और 126 के ऊपर यहाँ पर मैंने मेंशन करके रखा हुआ है डी का 6 का ये आंसर है। तो आपको ये जो दोनों ब्लैक हेडिंग्स लिखे हैं इन दोनों को लिखना, मतलब देखिए क्या है, द लेयर्स ऑफ एयर अराउंड आवर अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी हमारे अर्थ के चारों तरफ जो हवा की जो लेयर पाई जाती है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। और वो अभी बीच से कुछ नहीं, बीच से थे यहाँ से, द प्रेशर एग्जर्टेड बाई द एयर ड्यू टू इट्स ओन वेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हवा के अपने वेट की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्टूडेंट्स आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, एक्सप्लेन व्हाई ए वाइड स्टील बेल्ट इज प्रोवाइड ओवर द व्हील ऑफ आर्मी टैंक। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी आर्मी टैंक के व्हील के ऊपर एक वाइड स्टील बेल्ट, एक चौड़े स्टील बेल्ट को क्यों उनके पहियों के ऊपर चढ़ाया जाता है, एक्सप्लेन। तो देखिए पेज नंबर 123 पे इसका आंसर मिलेगा। तो आइए तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं देखिए पेज नंबर 123, और ठीक ऊपर यहाँ पे 6 आंसर है। यहाँ पे देखिए आर्मी बेल्ट बना हुआ है ना, ये आर्मी टैंक है, इसके ऊपर देखिए लोहे की ये बेल्ट लगी हुई है। तो देखिए इसका रीज़न क्या है, ए वाइड स्टील बेल्ट इज प्रोवाइड ओवर व्हील ऑफ आर्मी टैंक सो दैट दे एग्जर्ट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड एंड नॉट श्रिंक इन टू इट, और वो उसके अंदर धंसता नहीं है। यानी अगर आर्मी टैंक के ऊपर से ये बेल्ट हटा ली जाए तो ये लोहे के पहिए इतने वजनी होते हैं कि ज़मीन के अंदर ही क्या हो जाएंगे, धंस जाते हैं। तो उस ज़मीन के अंदर उस पहिए का जो प्रेशर कम करने के लिए हम लोग इनके दीवार पर क्या चौड़े चौड़े स्टील के बेल्ट लगा देते हैं, जिसकी वजह से अब वो प्रेशर पड़ता है तो इस चौड़े बेल्ट पर पड़ता है, और चौड़ा बेल्ट ज़मीन में कभी धंसता नहीं है। यानी ज़मीन में धंसेगा क्या, नुकीला बेल्ट या नुकीला पहिया। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं ई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू माउंटेनियर सफर फ्रॉम नोज ब्लीडिंग एट हाई एल्टीट्यूड। आखिर पहाड़ों पे चढ़ने वाले जो पर्वतारोही होते हैं जब वो बहुत ऊंची पढ़ाई पर चढ़ते हैं तो उनकी नाक से ब्लडिंग यानी खून क्यों निकलता है। तो देखिए वो उसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 127 पर। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से आ जाते हैं पेज नंबर 127 पर, और 127 में वो जो आंसर था कि माउंटेनियर्स के नाक से ब्लीडिंग क्यों निकलती है, तो ठीक याद करिए एस्ट्रोनॉट वाले ऊपर के कॉलम में जितनी लाइंस होती हैं यहाँ से सीधे लिखिएगा, द माउंटेनियर सफर फ्रॉम नोज ब्लीडिंग एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मच लेसर दैन आवर बॉडी प्रेशर, ड्यू टू दिस सम ऑफ द ब्लीडिंग कैपिलरीज ब्रस्ट एंड ब्लड कम्स आउट थ्रू द नोज ऑफ माउंटेनियर्स। यहाँ तक आप ले डलेंगे, मतलब यहाँ से इस ब्लैक वाले हेडिंग से जहाँ इस सिरा ख़त्म होता है वहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्प इन ड्रिंकिंग जूस विथ स्ट्रॉ।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर जूस पीने के लिए यानी जूस पीने में किस प्रकार से मदद करते हैं। पेज नंबर 127 फिर उसी पेज पर आइए। तो स्टूडेंट्स फिर से आ जाए देख लेते हैं पेज नंबर 127 पे, और वो यहाँ से जहाँ से मैंने इसको लाइन किया हुआ है ठीक यहीं से, यहाँ पर मैंने ई बी करके लिखा हुआ है। द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द स्ट्रॉ रिड्यूस बट द प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ फ्रूट जूस इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर सो दैट ग्रेटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन, सबसे ऊपर आ जाइए, एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ फ्रूट जूस पुश द फ्रूट जूस अप इन टू द स्ट्रॉ टू माउथ, यहाँ तक ठीक है बच्चों। तो उसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा या फिर पहले आप अपने बुक पर इस तरह से निशान करके तब फिर बाद में राइट डाउन कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरी टाइप में है। देखिए स्टोरी क्या कह रहा है कि निकिता इज कटिंग फ्रूट्स फॉर हिज ग्रैंड मदर एंड सी इज इल। क्या करें, निकिता अपनी ग्रैंड मदर के लिए क्या करती है, फ्रूट काट रही है। क्यों? क्योंकि वह बीमार है। सी फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू कट फ्रूट्स। तो उसने पाया क्या कि इट इज डिफिकल्ट टू फ्रूट कट्स, फ्रूट्स को काटने में डिफिकल्टीज हो रही है। सी शार्पेंस द कटिंग एज ऑफ नाइफ, उसने अपने नाइफ के कटिंग एज को शार्प किया एंड कट द फ्रूट ईजिली, और उससे फ्रूट को आसानी से काट दिया। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए आपको रिएक्शन किस पे देना है, रिएक्शन देना है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज शार्पनिंग द नाइफ हेल्प इन द कटिंग द ऑब्जेक्ट ईजली। मतलब शार्पन नाइफ किस प्रकार से फ्रूट को काटने में ईजी होता है। जैसी बात है, जब हम किसी भी चीज़ को शार्प करते हैं तो उसका सरफेस एरिया क्या करते हैं, कम करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पहले कहे तो यहाँ पहले लिखिए क्या कि लो या रिड्यूस द, यहाँ पे जो लो लिखा ना बच्चों इसको रिड्यूस कर लीजिएगा। तो रिड्यूस सरफेस एरिया इंक्रीज द प्रेशर ऑन फ्रूट सो इट विल ईजली कट, बस इतना लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट कैन वी लर्न फ्रॉम निकिता, है ना, क्वेश्चन नंबर बी, वाट कैन वी लर्न फ्रॉम निकिता। तो यहाँ पर है, यहाँ पर इसका आंसर होगा, बिफोर कटिंग फ्रूट शार्पनिंग शुड बी चेक। मतलब फ्रूट को काटने से पहले कभी भी जब आप काटते हो तो अपने नाइफ की शार्पनिंग को क्या कर लेते हैं, चेक कर लीजिएगा, दैट्स इट, तभी तो फ्रूट कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, गिव एनी टू एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम एवरीडे लाइफ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दो एप्लीकेशन बताना जो हमारी डेली लाइफ में क्या होता है, यूज होता है। तो इसमें आप देखिए है, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ हो जाएगा, दूसरा है इंजेक्शन हो जाएगा, मैंने किस प्रकार से ये स्ट्रॉ द्वारा आप जूस पीते हैं, किस प्रकार से इंजेक्शन से आप एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी को दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में आप इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये इसके दो एग्जांपल हो जाएंगे। अब आ जाते हैं बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन व्हाई ए हैवी ट्रक इज फिटेड विथ 6 to 14 टायर्स। आपने देखा होगा कोई भी बड़ा वाला ट्रक जो कम से कम 6 चक्का या 10 चक्के या 14 चक्कों पर बड़ा होता है, तो वही पूछ रहा है कि आखिर क्यों एक हैवी ट्रक को 6 से लेकर के 14 टायरों के बीच रखा जाता है। तो सिंपल सी बात है, ट्रक जितना बड़ा होगा उसमें हैवी लोड उतना ज़्यादा भरा जाएगा, और अगर हैवी लोड भरा जाएगा तो लोड का जो प्रेशर होता है वो पहिए पर पड़ता है, और पहिए का प्रेशर कहाँ पड़ता है, ज़मीन पर पड़ता है। तो पहिया जितना पतला होगा ज़मीन पर लगने वाला प्रेशर उतना अधिक होगा। तो सिंपल सी बात है, टू रिड्यूस द प्रेशर वी इंक्रीज द सर्फेस एरिया। तो ये लिखा हुआ था इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ टायर, बस इतना लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीयर्स यूज लॉन्ग फ्लैट स्कीज टू स्लाइड। आपने देखा होगा जो बर्फ में जो स्लाइड करते हैं जिनको हम स्कीज कहते हैं, वो स्कीज जब बर्फ पे स्लाइड करते हैं तो उनके पैरों में लकड़ी की चौड़े चौड़े पट्टियाँ लगी होती है जिसको हम लोग स्कीज कहते हैं। तो ये कह रहा है कि आखिर वो पट्टियाँ चौड़ी क्यों होती हैं। तो सिंपल सी बात है, बर्फ हम लोग सभी जानते हैं कि वो आइस क्या होता है, हल्का सा पैर रखेंगे नीचे धंस जाएगा। तो अगर आप
पट्टी को चौड़ा कर लेते हैं तो आपका जो एग्जैक्ट नेट प्रेशर है वो जमीन पे पड़ने वाले नेट प्रेशर के क्या हो जाता है, बहुत बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पांव धंस जाते हैं। लेकिन अगर आप एक पटरा लगा लेते हैं तो पटरा आपके पैर के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रेशर है जो जमीन पर पड़ता है वो बढ़ जाता है, या ये कह सकते हैं वो कम हो जाता है, और आप जमीन पर बैलेंस कर सकते हैं, वो भी बर्फ वाली जमीन पर। तो वही सिंपल सी बात है जो ऊपर का डेफिनेशन है, इंक्रीजेस सरफेस एरिया रिड्यूसेस द प्रेशर ऑफ स्की, सो मैन कैन इजिली स्लाइड, ये लिख सकते हैं। फिर क्या करना, सी क्वेश्चन, फाउंडेशन ऑफ हाई राइजिंग बिल्ड केप्ट ए वाइड, केप्ट वाइड। आपने देखा होगा जब भी किसी चौड़े घर को बनाया जाता है तो उसका जो आधार रखा जाता है वो चौड़ा रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, वही सेम क्वेश्चन कि जैसे बता, जब बेस जितना ज़्यादा चौड़ा होगा तो घर का जो टोटल प्रेशर होता है वो उसकी नींव पर उतना कम पड़ता है। अब जब उतना कम प्रेशर पड़ेगा तो जैसे बता, क्योंकि वो प्रेशर जो होता है सब जगह स्कैटर्ड हो जाएगा, फैल जाएगी, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर एरिया पे लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा। तो सेम वही सेम डिफिनेशन कि वाइडर फाउंडेशन विल रिड्यूस द प्रेशर ऑफ बिल्डिंग्स टूवर्ड्स द ग्राउंड या टू द ग्राउंड, इज दैट क्लियर। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, गिव रीजंस, स्कूल बैग्स आर प्रोवाइड विथ वाइड शार्पन स्ट्रिप टू कैरी देम। आपने देखा होगा आपका जो स्कूल बैग है, कभी आप जाकर के अपना स्कूल बैग चेक कर लीजिएगा, तो वो स्कूल बैग का जो आप टांगने वाला जो उसका जो स्ट्रिप्स होता है तो वो देखिए चौड़ा चौड़ा होता है। अगर आप उस चौड़े बेड का काट करके अगर आप पतले वाले के कोई धागा या फिर कोई रस्सी लगा देते हैं तो जैसे आपके बैग के ऊपर कॉपी का जब लोड पड़ेगा तो वो आपके शोल्डर्स पे जो प्रेशर क्रिएट होगा वो जितना पट्टी चौड़ी कम होगी उतना ज़्यादा वो आपके पैरों आपके शोल्डर्स पे उतना ज़्यादा प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से आपको कंधे दुखेंगे। इस नाते कंधों पे प्रेशर को कम करने के लिए वो क्या करता है, स्ट्रिप को चौड़ा कर दिया जाता है। स्ट्रिप जब चौड़ी हो जाती है तो लगने वाला प्रेशर क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है और आपको भारी सामान उठाने में मदद करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल ऑफ ए डैम आर थिकर नियर द बॉटम एट द टॉप। आपने देखा होगा जो डैम्स होते हैं, डैम्स का जो बेस होता है वो चौड़ा होता है और अपर एरिया नैरोवर होता है। द रीज़न क्या होता है कि जब डैम के बेस से जब पानी बहती है तो हम सबको सभी को पता है कि जो पानी जमीन की सबसे नीचे पर है तो ऊपर से हाइट सबसे अधिक होने पर की वजह से पानी का प्रेशर भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा लगेगा, और पानी का प्रेशर जब वहाँ पर ज़्यादा लगता है तो डैम को बेस से टूटने का खतरा बना रहता है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, डैम का बेस चौड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है कि ऑन द बेस ऑफ डैम द वाटर हैव द हाईएस्ट प्रेशर, सो दैट विल रिड्यूसेस द हाईएस्ट प्रेशर, वी इंक्रीज द बेस ऑफ डैम, इज इट क्लियर। फिर नाउ नेक्स्ट थर्ड, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आपने देखा होगा ऐसे कॉन्टैक्ट फोर्स मस्कुलर फोर्स और ट्रैक्शन फोर्स में आते हैं, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में मैग्नेटिक, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एंड जो भी एक हो, ये हम पढ़ नहीं पा रहा है, आप लोग देख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ, तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को पूरा डिफिनीशन जो बुक्स में है आप अपने बुक से देख करके क्या कर लीजिएगा, उसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। और हाँ बच्चों, जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप पर्टिकुलर मेरे व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिएगा, मैं उसका सलूशन आपको वहीं पे इमीडिएट करके दे दूंगा। तो बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।